हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 3 वीडियोस से ये सीख रहे हैं कि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, और हम आज के वीडियो में भी यही टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, हमने अभी तक 3 वीडियोस पढ़े। सबसे पहले वीडियो में हमने कंप्लीट केस एनालिसिस देखा, जहाँ पे अगर आपके डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यू है आप उस कंप्लीट रो को हटा देते हो, ये हमने सीखा था। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू हैंडल न्यूमेरिकल मिसिंग डेटा। ठीक है, वहां पे हमने 3 टेक्निक्स देखी थी। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू हैंडल कैटेगोरिकल मिसिंग डेटा, यहाँ पे भी हमने 2 टेक्निक्स देखी थी। ये 3 वीडियोस अभी तक हमने कवर किए। अब आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग 3 अलग से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं साथ में। सो सबसे पहले विल डिस्कस स्पेशल टेक्निक जो आप दोनों कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा पे साथ में अप्लाई कर सकते हो। इट्स कॉल्ड रैंडम वैल्यू इंप्यूटेशन, रैंडम नंबर्स के थ्रू इंप्यूटेशन करना। ठीक है, फिर आज हम जो सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड मिसिंग इंडिकेटर। अब ये क्या होता है हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस वीडियो के हम एक टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके आप ऑटोमेटिकली सिंपल इंप्यूटर का सही पैरामीटर ट्यून कर सकते हो यूजिंग ग्रिड सर्च सीवी। ठीक है, तो वो हम उसको लिख सकते हैं ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे, और जैसे ही ये हो जाएगा तो हमारा यूनिवेरिएट डेटा इंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग मूव करेंगे मल्टीवेरिएट डेटा इंप्यूटेशन में, जहां पे हम 2 चीजें पढ़ेंगे, KNN इंप्यूटर कल की क्लास में, एंड आइटरेटिव इंप्यूटर उसके नेक्स्ट क्लास या वीडियो में। ठीक है, तो दिस इज द प्लान। टोटल मिला के 6 वीडियोज होंगे इस प्लेलिस्ट में ऑन मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन। तो टुडे इज द 4th वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, वॉट इज रैंडम इंप्यूटेशन। ठीक है, सो रैंडम इंप्यूटेशन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट इट इज यूज क्वाइट अ लॉट। आई विल एक्सप्लेन यहाँ पे क्या होता है। लेट्स से आपके पास कोई कॉलम है जिसमें आपके पास वैल्यूज हैं खूब सारी, और बीच बीच में मिसिंग वैल्यूज है लाइक दिस। तो अब आपको ये मिसिंग वैल्यूज को फिल करना है। तो आप इन मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल करते हो? बाय यूजिंग रैंडम नंबर्स। अब फर्स्ट टाइम सुन के थोड़ा वियर्ड लगता है कि रैंडम नंबर्स से करने से क्या फायदा होगा, बट ये नॉर्मल रैंडम नंबर्स नहीं है। ये रैंडम नंबर्स आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो फ्रॉम अदर नंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन योर कॉलम। ये जो नंबर्स प्रेजेंट है ना, जैसे यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 41 है, तो आप यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट करोगे वो एक्चुअली इन सब में से रैंडमली किसी एक नंबर को सेलेक्ट करके सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर को यूज करो, नहीं, आपके डेटा में जो नंबर्स हैं उनमें से ही आप रैंडमली नंबर को सेलेक्ट करोगे और इन मिसिंग प्लेसेस पे फिल करोगे। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। द गुड पार्ट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इज कि इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ न्यूमेरिकल एज वेल एज कैटेगोरिकल कॉलम। सोच के देखो, अगर आपके पास एक कॉलम है बाय द नेम ऑफ सेक्स या जेंडर, अब वहां पे मेल है, फीमेल है, फीमेल है, मेल है, फिर मिसिंग वैल्यूज है, तो अब ये मिसिंग वैल्यूज कैसे फिल होंगी? बाय दीज वैल्यूज। ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें से ही आप रैंडमली सेलेक्ट करोगे कोई एक वैल्यू और इस मिसिंग वैल्यू को फिल करोगे। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने डेटा में जो ऑलरेडी वैल्यूज प्रेजेंट है उनमें से कोई भी वैल्यू को रैंडमली सेलेक्ट करके मिसिंग वैल्यूज से रिप्लेस कर देते हो। दैट इज द होल आइडिया। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इट्स इजी। मतलब सोच के देखो ना कितना इजी टू अप्लाई है। ऑल्दो आप इसको एसकेलर्न में नहीं कर पाओगे, एसकेलर्न में ये फीचर आपको नहीं दिया हुआ है, आपको ये काम पैंडास में करना पड़ता है, बट स्टिल इट्स अ इजी टास्क, राइट? द बेस्ट पार्ट, जो इससे भी अच्छी बात है इस टेक्निक की, वो ये है कि आपका डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वेरिएंस है वो इंटैक्ट रहता है, वो बच जाता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी टेक्निक्स पढ़े, मीन मीडियन इंप्यूटेशन या फिर आर्बिट्ररी वैल्यू वाला, जिसमें भी हमने पढ़ा, उसमें हमने एक चीज नोटिस किया था कि आपके डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था
अगर पहले ऐसा था तो हो सकता है थोड़ा बदल जाता था जब आप इंप्यूटेशन करते थे, बट जब आप रैंडम नंबर्स के थ्रू इंप्यूटेशन करते हो, आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये है तो ऑलमोस्ट यही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और वेरियंस बिल्कुल वैसा ही इंटैक्ट रहता है ऑलमोस्ट। अगर आप सोच के देखो क्यों ऐसा होता है तो बहुत सिंपल है। सी, आपके पास ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये सबसे ज्यादा आपके डेटा में अवेलेबल है, इन नंबर्स के मिलने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो जब आप रैंडमली नंबर्स को उठाओगे तो भी तो वही नंबर्स आएंगे ज्यादा जिनका, बेसिकली ये नंबर्स ही तो ज्यादा आएंगे जिनका प्रोबेबिलिटी हायर है। मतलब एक बात समझो, आपने खूब सारे नंबर्स उठा करके एक बैग में डाल दिए, अब उनमें 60-70 वाले नंबर्स सबसे ज्यादा है। तो जब आप रैंडमली कोई नंबर उठाओगे तो 60-70 के बीच में आने का प्रोबेबिलिटी भी तो ज्यादा होगा, और यहाँ वाले नंबर्स के रैंडमली निकलने का प्रोबेबिलिटी कम होगा, सिमिलरली यहाँ वाले नंबर्स के भी निकलने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा। तो जब आप फिल करते हो ना उन नंबर्स को निकाल निकाल के, तो जो आपका वेरियंस और आपका जो डेटा का शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और ये बहुत अच्छी बात है व्हेन यू आर डीलिंग विथ लीनियर एल्गोरिदम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। वहां पे आपके डेटा का शेप, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप और वेरियंस इंटैक्ट रहना बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो ये टेक्निक डिसीजन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स के ऊपर उतना अच्छा काम नहीं करता, बिकॉज आप डेटा में रैंडमनेस इंड्यूस कर रहे हो, तो नॉट नेसेसरीली इट इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप रैंडम वाला टेक्निक ज्यादातर तब यूज करते हो जब आप अपने डेटा के ऊपर लीनियर एल्गोरिदम्स लगाते हो, ना कि ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों आपका वेरियंस और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है। एक प्रॉब्लम होती है कि आपका जो बाकी के वेरिएबल्स के साथ को वेरियंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। को वेरियंस मतलब बाकियों के साथ जो रिलेशनशिप है वो गड़बड़ा जाता है, और उसका रीजन ये है कि आपने डेटा में रैंडमनेस इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक और जो डिसएडवांटेजेस टेक्निक का वो ये है कि इट इज अ मेमोरी हैवी फॉर डिप्लॉयमेंट एज वी नीड टू स्टोर द ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम एंड रिप्लेस एनी इनकमिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब जब आप इस मॉडल को सर्वर पर डिप्लॉय करोगे तो सर्वर पे जैसी कोई नया डेटा आया उसमें एज का वैल्यू मिसिंग है, तो आप इसको कौन से नंबर से रिप्लेस करोगे? उस नंबर से जो रैंडमली एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग डेटा से। तो इसका मतलब आपको ट्रेनिंग डेटा में जितने भी एज की वैल्यूज हैं उनको अपने साथ सर्वर पे रखना होगा, सो दैट जैसे ही एज का कोई मिसिंग वैल्यू आए आप यहां से एक रैंडम नंबर जनरेट करके रिप्लेस कर दो। बट इस पूरे टेक्निक में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका ट्रेनिंग सेट बहुत बड़ा है, मतलब आपका ट्रेनिंग डेटा अगर बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा डेटा आपका मेमोरी खाएगा सर्वर के ऊपर, नॉट अ गुड थिंग, राइट? और थर्ड चीज ये है जो हमने भी जस्ट डिस्कस किया, दैट इट इज वेल सूटेड फॉर लीनियर मॉडल्स, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता भले ही कितना भी मिसिंग वैल्यूज हो। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि रैंडम इंप्यूटेशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो यूजिंग पैंडास, बोथ ऑन न्यूमेरिकल डेटा एज वेल एज कैटेगोरिकल डेटा। तो ये मेरा डेटा है गाइस, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल डेटा दिखाऊंगा। न्यूमेरिकल डेटा मैं आपको टाइटैनिक डेटा सेट के ऊपर दिखाऊंगा, और कैटेगोरिकल डेटा मैं आपको हाउस प्राइसिंग डेटा सेट के ऊपर दिखाऊंगा, क्योंकि टाइटैनिक में कैटेगोरिकल कॉलम्स में डेटा मिसिंग है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने इम्पोर्ट कर लिया। टाइटैनिक वाले डेटा सेट में हमने सिर्फ 3 कॉलम्स यूज किए, एज, फेयर एंड सर्वाइव्ड, और ये रहा मेरा आउटकम। ठीक है, ये मेरा डेटा है। मिसिंग वैल्यूज अगर आप चेक करो परसेंटेज के हिसाब से, तो एज में ऑलमोस्ट 20% वैल्यूज मिसिंग है, फेयर में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सर्वाइव में भी कुछ भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एक्स और वाई क्रिएट कर रहा हूँ। एक्स में सर्वाइव्ड कॉलम नहीं रहेगा और वाई में सर्वाइव्ड कॉलम रहेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बिफोर इम्प्यूटेशन आफ्टर इम्प्यूटेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पुराने वाले में कोई चेंजेस ना करके एक कम्प्लीटली नया कॉलम बना रहा हूँ बाय द नेम ऑफ एज इम्प्यूटेड। और सिंस हमारे पास 2 सेट्स हैं, ट्रेनिंग और टेस्ट सेट, ये कॉलम मैं दोनों डेटा फ्रेम्स के ऊपर बना रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट पर अगर आप नोटिस करो तो ये मेरा एक्स ट्रेन है, दिस इज माई एक्स ट्रेन, यू कैन सी।
और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ एज इम्प्यूटेड बोल के, जिसमें मैं एज की सारी वैल्यूज कॉपी कर दे रहा हूँ और सेम काम मैं टेस्ट के साथ भी कर रहा हूँ। तो ये करने पे एक वार्निंग आएगा कि आप डेटा फ्रेम के एक पार्ट में चेंजेस कर रहे हो, बट इट्स ओके। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा डेटा फ्रेम जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, दोनों टेस्ट और ट्रेन दोनों बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है, एक नया कॉलम आ गया एज इम्प्यूटेड बोल के, और फिलहाल इसमें सिर्फ वही वैल्यूज हैं जो हमारे एज में है। ठीक है, अगर आपको मैं टेल करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि टेल करने में देर आर सर्टेन मिसिंग वैल्यूज, यू कैन सी यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पीस ऑफ कोड है, ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर मैंने वो स्टेप किया है कि मैंने इम्प्यूटेड एज इम्प्यूटेड वाले में कॉलम में जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको मैंने रिप्लेस किया है एज में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से रैंडमली किसी वैल्यू को सिलेक्ट करके। मतलब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है ये। अगर मैं आपको पहले ये दिखाऊं कि ये क्या चीज है तो शायद आप थोड़ा समझ पाओगे। देखो, मैंने एक्स ट्रेन में से एज इम्प्यूटेड कॉलम को निकाला, और इनफैक्ट पहले ये देखो मैंने क्या किया, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। ये है हमारा एज इम्प्यूटेड कॉलम, अब इसके आगे ये कोड मैंने लगाया, एक्स ट्रेन एज इम्प्यूटेड इज नल। तो बेसिकली मुझे वो वैल्यूज मिल जाएंगी जो नल है, और टोटल मिला के ऐसी 148 वैल्यूज है। मतलब ये कोड लिखने से क्या किया मैंने, एक्स ट्रेन में एज इम्प्यूटेड वाले कॉलम की उन वैल्यूज को फेच कर लिया जहां पे वैल्यू मिसिंग है, और फिर मैंने इन मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस किया इस पीस ऑफ कोड से। अब ये पीस ऑफ कोड आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे देखो, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या किया मैंने। मैंने सबसे पहले एक्स ट्रेन एज में ड्रॉप एन ए मारा, ड्रॉप एन ए करने से एक्स ट्रेन एज के अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी वो गायब हो गई, तो अब बची सिर्फ ओरिजिनल वैल्यूज। अब उसके ऊपर मैंने सैंपल लगाया, अब सैंपल क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से कोई एक वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, बट मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे टोटल मिला के 148 वैल्यूज चाहिए, क्योंकि एज इम्प्यूटेड वाले कॉलम में 148 वैल्यूज मिसिंग है। तो मैंने बस इतना किया कि जो कोड मैंने वहां लिखा था वही कोड मैंने यहां लिख दिया, एक्स ट्रेन एज इज नल सम, और ये वैल्यू अगर आप देखो तो ये एग्जैक्टली 148 है, यू कैन सी 148। तो इन अ वे मैंने बस इतना बोला कि एक्स ट्रेन एज में से सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर हटा दो और सैंपल निकालो कितने, 148। सो इस पूरी चीज का आंसर इज एक्चुअली 148, और सिंस ये सीरीज आता है तो मैंने वैल्यूज निकाल करके नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया, एंड यू कैन सी ये रही मेरे एज के अंदर से 148 रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज। जब मैं इसको बार बार रन करूंगा ये नंबर्स डिफरेंट आएंगे, यू कैन सी। ठीक है, तो वही स्टेप मैंने यहाँ पे किया है, मैंने एज इम्प्यूटेड की सारी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया इन वैल्यूज से, और सेम काम मैंने टेस्ट सेट में भी कर दिया, और ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगेन वो वार्निंग को इग्नोर करो, आप एक पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम में चेंजेस कर रहे हो तो नहीं करने दे रहा, मतलब वार्निंग थ्रो कर रहा है। और अब अगर मैं एक्स ट्रेन आपको रन करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि हमारे एज में अभी भी मिसिंग वैल्यूज हैं, बट हमारे एज इम्प्यूटेड में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, हमने रैंडम वैल्यूज से सब कुछ को इम्प्यूट कर दिया। अब हमारे पास दो अलग कॉलम्स आ गए, एज जो कि पहला वाला कॉलम है ओरिजिनल कॉलम है, और एज इम्प्यूटेड जो कि इम्प्यूटेड कॉलम है। अब इन दोनों में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी सिमिलैरिटी है। सो अगर मैं रन करूं, यू कैन सी, मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों में हिस्टोग्राम को फॉल्स कर देता हूं, क्योंकि हिस्टोग्राम से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, एंड यू कैन सी कि ओरिजिनल वाला ब्लू है और इम्प्यूटेड वाला ऑरेंज है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप एक लीनियर मॉडल यूज कर रहे हो तो इन दोनों डेटा फ्रेम्स में, इन दोनों डेटा सेट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा परफॉर्मेंस में। ठीक है, ट्री बेस्ड वाले में आएगा, लीनियर वाले में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियंस। सो अगर हम एक्स ट्रेन का एज का वेरियंस का बात करें और एज इम्प्यूटेड का वेरियंस का बात करें, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 204 आ रहा है ओरिजिनल वाले में और इम्प्यूटेशन वाले में 208 आ रहा है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस जो आया है वो है कोवेरियंस में।
अगर मैं आपको एज का रिलेशन दिखाऊं फेयर के साथ और एज इंप्यूटेड का रिलेशन दिखाऊं फेयर के साथ, यू वुड सी कि एज का जो रिलेशन है फेयर के साथ दैट इज 71, बट एज इंप्यूटेड का जो रिलेशन है फेयर के साथ दैट इज 43। यही बात मैंने डिस्कस की थी कि आपका डेटा का जो कोवेरियंस होता है बाकी के कॉलम्स के साथ वो चेंज हो जाता है, तो वो आप यहाँ पे नहीं रोक सकते। ठीक है, लास्टली आउटलायर्स का अगर आप बात करो तो जितने आउटलायर्स पहले थे उतने ही आउटलायर्स आपको बाद में देखेंगे, आउटलायर्स पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता इस मिसिंग इस इंप्यूटेशन टेक्निक का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल डेटा की। अब हम बात करते हैं हमारा मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, आई जस्ट सी ओके। हाँ, एक लास्ट चीज गाइस, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है जब आप रैंडम नंबर से मिसिंग वैल्यूज को इंप्यूट करते हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप प्रोडक्शन पे हो, मतलब एक प्रॉपर वेबसाइट चल रही है और उसके अंदर आपने ये इंप्यूटेशन टेक्निक लगा रखा है, तो हो सकता है कि हर बार सेम इनपुट के लिए भी आप डिफरेंट प्रेडिक्शन दो। सोच के देखो, किसी ने बोला मेरा फेयर इतना है, मतलब मान लो 50 है, और एज उसने नहीं बताया, तो इस बार आपका मॉडल हो सकता है एज ऑटोमेटिकली देख ले 60। अगली बार आपने फिर से सेम फेयर बताया बट एज फिर से डिफरेंट आएगा क्योंकि आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि जब आप प्रोडक्शन में इस टेक्निक को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये जो रैंडमनेस है कि सेम इनपुट देने पे भी बार बार डिफरेंट आउटपुट आ रहा है बिकॉज आप रैंडम नंबर अलग ढंग से जनरेट कर रहे हो, व्हाट यू शुड डू इज कि आपको सेम गिवन इनपुट के लिए सेम रैंडम नंबर हर बार जनरेट करना चाहिए। मतलब अगर फेयर सेम है तो एज का रैंडम वैल्यू भी हमेशा सेम आना चाहिए। अगर फेयर अभी मैंने बोला 50 और एज का वैल्यू आया 40, अगली बार यूजर ने फिर बोला फेयर 50, तो एज का वैल्यू फिर से 40 ही आना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना चाहिए, और उसके लिए आप बस ये कर सकते हो कि आप रैंडम स्टेट में जो करंट ऑब्जर्वेशन है उसके फेयर का वैल्यू डाल दो। तो फेयर का वैल्यू जब तक सेम रहेगा, आपका रैंडम स्टेट विल ऑलवेज इंश्योर कि जो सैम्पलिंग हो रही है वो हमेशा सेम रहे, अदरवाइज आपका मॉडल थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका दो यूजर सेम इनपुट दे रहे हैं, दोनों को अलग रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप उनके गिवन इनपुट के बेसिस पे रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाहिए। दैट इज वन इनपुट जो कि आपको याद रखना चाहिए व्हाइल मेकिंग प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये बात मैंने डिस्कस कर ली। यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कमेंट आउट कर दूंगा इसको। सो या, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस हाउसिंग डेटा सेट, और इसमें फिर से वही तीन कॉलम्स यूज कर रहा हूँ, गैरेज क्वालिटी, फायरप्लेस क्वालिटी और सेल प्राइस। ठीक है, और इसको रन किया, ये मेरा डेटा है, तीन कॉलम्स हैं, और डेटा में जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरीके से है। फायरप्लेस वाले में ऑलमोस्ट 50% डेटा मिसिंग है, गैरेज क्वालिटी वाले में 5% डेटा मिसिंग है, और सेल प्राइस जो मेरा टारगेट कॉलम है उसमें कोई डेटा मिसिंग नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने X में पूरा डेटा डाल लिया है और Y में सिर्फ सेल प्राइस डाला है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे मुझे टारगेट कॉलम की जरूरत पड़ेगी ग्राफ प्लॉट करने में, सो दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, और गाइज यहाँ पे भी बिल्कुल सेम काम किया मैंने, दो नए कॉलम्स बना लिए, गैरेज क्वालिटी इंप्यूटेड और फायरप्लेस क्वालिटी इंप्यूटेड। ठीक है, और दोनों को मैंने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ऐड कर दिया, बोथ फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्ट। अगर मैं आपको इस स्टेप के बाद दिखाऊं कि मेरा एक्सट्रेन कैसा दिख रहा है, तो यू कैन सी दिस इज माय एक्सट्रेन। सो ये मेरा पूरा का पूरा डेटा है इंक्लूडिंग सेल प्राइस। मैंने आपको बता दिया मैंने जानबूझ के सेल प्राइस रखा है क्योंकि आगे मुझे इसकी जरूरत है। और ये रहा मेरा, ये दो नए कॉलम्स जो कि अभी बिल्कुल सेम है, गैरेज क्वालिटी और फायरप्लेस क्वालिटी के बिल्कुल सेम है। और अब यहाँ पे भी मैंने गाइस बिल्कुल सेम टेक्निक यूज किया है जो मैंने ऊपर यहाँ पे किया था, इस जगह पे ओवर हियर, ये जो टेक्निक मैंने यूज किया था एग्जैक्ट सेम कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सेम, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम वार्निंग आ रहा है, हम सेम तरीके से इग्नोर कर देंगे। और अब मैंने क्या किया है, मैंने ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, हम क्या कर रहे हैं हर कैटेगोरिकल कॉलम में जो सारी कैटेगरीज हैं उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम देख रहे हैं बिफोर इम्प्यूटेशन आफ्टर इम्प्यूटेशन। अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो इट्स नॉट गुड। सो मैंने ये पहले किया गैरेज क्वालिटी वाले के लिए जिसमें कम डेटा मिसिंग है, ओनली 5%, एंड यू कैन सी कि ये है ओरिजिनल और ये है इम्प्यूटेड, और ये रही मेरी पांच कैटेगरीज। सो टीए जो मेरी कैटेगरी है वो ऑलमोस्ट सेम है,
ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, 99 111, थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप यहाँ पर ये टेक्निक यूज कर सकते हो, ठीक है। और यही सेम चीज जब मैंने फायर पेस क्वालिटी के ऊपर लगाया, जहां पे 50% डेटा मिसिंग था, तो यू कैन सी यहाँ पे काफी चेंजेस आ गए, तो ये एक रेड फ्लैग है, आप ये अगर आपको दिख रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये टेक्निक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और ये गड़बड़ आप मेक श्योर कर सकते हो अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करो कि आप हर कैटेगरी के लिए सेल प्राइस देख रहे हो, एंड यू कैन सी बिफोर में ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था फॉर एवरी कैटेगरी, और जब मैंने आफ्टर वाले में लगाया फायरप्लेस इंप्यूटेड वाले में, यू कैन सी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया, सी दीज टू। पर्पल वाला जो कैटेगरी है वो अभी भी सेम है, ऑरेंज वाला कैटेगरी थोड़ा सा नीचे आ गया ब्लू वाले कैटेगरी के पास, ग्रीन वाला थोड़ा ऊपर चला गया, और रेड वाले में भी काफी चेंजेस आ गए, तो ये अच्छी बात नहीं है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ लीनियर मॉडल, कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर आप एक लीनियर मॉडल यूज कर रहे होते तो आप फायर प्लेस वाले कॉलम के ऊपर रैंडम नंबर इंप्यूटेशन नहीं लगाते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा डेटा मिसिंग है, और उतना ज्यादा डेटा मिसिंग है तो इस तरीके से फिल करने में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरी चीज हमने डिस्कस की अबाउट रैंडम सैंपल इंप्यूटेशन, आई होप आपको ये पूरी चीज ऐसे समझ में आ गई, ठीक है। नाउ विल डिस्कस मिसिंग इंडिकेटर। सो गाइज, इस इंप्यूटेशन टेक्निक में आप क्या करते हो कि आप एक कंप्लीटली नया कॉलम बनाते हो फॉर एवरी कॉलम विच हैज अ मिसिंग डेटा, कोई भी कॉलम जिसमें कोई भी मिसिंग डेटा है उसके लिए आप एक नया कॉलम बनाते हो जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज रखते हो आप, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू कब रखते हो, जब कॉरेस्पॉन्डिंग उस रो में, मतलब चलो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, लेट्स से आपके पास दो कॉलम्स हैं एज एंड फेयर, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से वैल्यूज है 27 32 41 35, मिसिंग वैल्यू और 41 62 और 32, ठीक है। अब मिसिंग इंडिकेटर में क्या करोगे, आप उन सारे कॉलम्स में जहां पे भी मिसिंग वैल्यू है उसके लिए आप एक नया कॉलम बना लेते हो, ठीक है। इस कॉलम का नाम रख सकते हो आप एज एन ए, ठीक है। अब अगर यहां पे वैल्यू है तो आप यहां पे फॉल्स लिखते हो कि वैल्यू मिसिंग नहीं है, नेक्स्ट वाले में भी फॉल्स लिखते हो, यहां पे आप ट्रू लिखोगे क्योंकि आपके पास यहां पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आपका मिसिंग है, ठीक है, और लास्ट वाले में भी आप फॉल्स लिखोगे, एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट, बस यही करना होता है। अब आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है यार, इससे क्या फायदा होता है, दिस सीम्स वियर्ड बट गेस व्हाट, ये बहुत ही काम की टेक्निक है। इनफैक्ट एक कॉम्पिटिशन होता है KDD कप, वहीं पे फर्स्ट टाइम कुछ पार्टिसिपेंट्स ने ये टेक्निक यूज किया था, एंड दे इवेंचुअली वॉन द कॉम्पिटिशन, एंड दे सेड कि जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से उनकी टीम का मॉडल अच्छा परफॉर्म किया, इट वॉज दिस टेक्निक, मिसिंग इंप्यूटेशन, मतलब मिसिंग कैटेगरी, मिसिंग इंडिकेटर लगाना, ठीक है। अब क्या होता है ये तो क्लियरली शायद किसी को भी नहीं पता है, बट होता क्या है ये करने से, मतलब एक एस्टिमेट ये है लोगों का कि आपका जो मॉडल होता है मशीन लर्निंग मॉडल, वो मिसिंग रोज और नॉन मिसिंग रोज जिसमें डेटा मिसिंग नहीं है उनके बीच में डिफरेंस करना सीख लेता है, और वो डिफरेंस क्रिएट करना अगर सीख गया मॉडल तो somehow उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाता है। अब ये चीज हमेशा तो काम में नहीं आती है, मतलब ये टेक्निक हमेशा आपके काम में नहीं आएगी, बट इट इज वन ऑफ द टेक्निक्स जो आपको ट्राई करके देखना चाहिए अगर आपका एक्यूरेसी या फिर R2 स्कोर इंप्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। थोड़ा वियर्ड लगता है बट यस इट वर्क्स समटाइम। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू वन एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल टॉय डेटा सेट के ऊपर, बट आपको मैं दिखा सकता हूँ कि सच में एक्यूरेसी इंप्रूव कर जाता है, ठीक है। तो लेट मी गो बैक टू कोड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, वही टाइटैनिक वाला डेटा सेट यूज किया है और सिर्फ तीन कॉलम्स यूज किए हैं, एज फेयर एंड सर्वाइव्ड। एज में मिसिंग वैल्यूज आपको पता है, तो एक बार हम कोड को रन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं एक्स में सर्वाइव्ड को छोड़ के बाकी दोनों कॉलम्स रख रहा हूँ, वाई में सिर्फ सर्वाइव्ड रख रहा हूँ, और ट्रेंटर स्प्लिट मार रहा हूँ। सो अब मेरा एक्सट्रीम ये है जिसमें सिर्फ एज और फेयर है, ठीक है। अब मैं आपको पहले दिखाऊंगा विदाउट ये टेक्निक यूज किए
आपका एक्यूरेसी कितना आता है और फिर ये टेक्निक यूज करने के बाद एक्यूरेसी कितना आता है। सो मैंने सिंपल इंप्यूटर क्लास बनाया और मैंने सिंपली मीन वैल्यू से सब कुछ को रिप्लेस कर दिया, बोथ इन द ट्रेन सेट एंड द टेस्टिंग सेट, ठीक है। और ये रहा मेरा आउटकम। सो अगर मैं इसको रन करूं, एक्सट्रेन टीआरएफ, ये नंपाई एरे बन चुका होगा लाइक दिस। अब यहां पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, ठीक है, एज में। और अब बस आगे का काम बहुत सिंपल है। मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया, फिट किया, वाई टेस्ट वाई प्रेड निकाला और एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट किया जो कि आया समवेयर अराउंड 61%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मिसिंग इंडिकेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, scikit-learn का मिसिंग इंडिकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब मिसिंग इंडिकेटर का ऑब्जेक्ट बनाया mi बोल के और mi डॉट फिट कर लिया मैंने एक्स ट्रेन, ठीक है। और यहां पर mi के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते होंगे, फीचर्स, तो ये आपको बता रहा है कि आपका जो पहला कॉलम है उसी में मिसिंग वैल्यूज है। और सही बात है, एज में मिसिंग वैल्यूज है, वही हमें ये बता रहा है। अब आपने क्या किया, mi डॉट ट्रांसफॉर्म कर लिया एक्स ट्रेन को और इस वेरिएबल में डाल दिया एक्स ट्रेन मिसिंग, ठीक है। तो अब इसको जैसे ही रन करेंगे हम, तो जो मेरा एक्स ट्रेन मिसिंग है वो एक कंप्लीटली नया कॉलम है। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू कॉलम जो एज वाले कॉलम को देख के बना है और इसमें सिर्फ फॉल्स और ट्रू वैल्यूज है, सिंपल। और यही सेम काम मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया, मेरे टेस्ट सेट के ऊपर। और अब एक्स टेस्ट भी जो मेरा है वो एक्स टेस्ट नहीं, एक्स टेस्ट मिसिंग जो है वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने ओरिजिनल एक्स ट्रेन में इस नए कॉलम में इन वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो मैंने एज एनए में एक्स ट्रेन मिसिंग को डाल दिया और टेस्ट में भी सेम काम किया। ये अगेन वार्निंग आ रहा है। और इसके बाद अगर मैं एक्स ट्रेन को रन करूं तो यू वुड सी कि हमारे पास एक नया कॉलम आ गया है मिसिंग इंडिकेटर वाला जहां पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। सो अगर वैल्यू है एज में तो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, अगर वैल्यू नहीं है एज में तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। सो अब मेरे पास तीन इनपुट कॉलम्स हो गए दो के बदले, थर्ड कौन सा है, मिसिंग इंडिकेटर वाला। ये सेम चीज टेस्ट में भी मैंने कर लिया है लाइक दिस, ठीक है। और अब मैंने सेम काम किया, मैंने आपको फिर से सिंपल इंप्यूटर को कॉल किया और सारी जो मिसिंग वैल्यूज थी एज वाले कॉलम में उनको मैंने रिप्लेस कर दिया मीन वैल्यू से, दोनों के दोनों ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। और कुछ वैल्यू एरर आ रहा है, बट दोबारा मैंने ऊपर से नीचे सब कुछ रन किया विदाउट चेंज किए कोई भी कोड, ये रन कर गया। और अब मेरे पास एक्स ट्रेन टी आर एफ टू और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट टी आर एफ टू बोल के मेरा इनपुट और आउटपुट का आ गया है। और आगे मैंने बस सेम कोड यूज किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला एंड यू कैन सी मेरा एक्यूरेसी इम्प्रूव कर गया बाय 2% जस्ट बाय यूजिंग दिस टेक्निक मिसिंग इंडिकेटर वाला। सो इट वर्क्स, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि क्यों काम कर रहा है बट इट वर्क्स समहाउ। आपके मॉडल को अगर आप ये समझा पाओ कि इन रोज में मिसिंग वैल्यू है और इन रोज में मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो कभी कभी आपका मॉडल इस नॉलेज से भी आपका एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, आप ट्राई करके देख सकते हो, इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आपको बस मिसिंग इंडिकेटर क्लास यूज करना है, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि ये टेक्निक फिर इतना फेमस हो गया कि आपके सिंपल इंप्यूटर में भी एक्चुअली एक पैरामीटर होता है एड अंडरस्कोर इंडिकेटर बोल के, जिसको आप बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हो बट अगर आप चाहो तो सीधे ट्रू कर सकते हो, तो फिर आपको ये अलग से मिसिंग इंडिकेटर क्लास यूज नहीं करना पड़ता। तो ये जो आगे का कोड है यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ विदाउट यूजिंग द मिसिंग इंडिकेटर क्लास। मैंने SI बनाया और एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें अब तीन तीन कॉलम्स हो गए, तो मैंने दोबारा से रन कर लिया और मैं नीचे गया और एक्स ट्रेन में चेंजेस किए, एक्स टेस्ट में चेंजेस किए एंड एक्यूरेसी देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इधर यू कैन यूज द मिसिंग इंडिकेटर क्लास। अगर आप पैंडास का वर्क फ्लो यूज कर रहे हो तो फिर आपको मिसिंग इंडिकेटर क्लास यूज करना पड़ेगा, बट अगर आप scikit-learn यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली सिंपल इंप्यूटर वाली क्लास में ये पैरामीटर को टर्न ऑन कर दो,
ये सेम पैरामीटर आपको आगे KNN इंप्यूटर और iterative इंप्यूटर में भी दिखाई देगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको अलग से क्लास इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट से जो कॉलम आ रहा है उसको मर्ज करना, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आई मीन दिस कोड इज मच क्लीनर देन द प्रीवियस वन जिसके ऊपर मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे ये जो पूरा मर्जिंग वगैरह करना पड़ रहा है कॉलम्स बना के, थोड़ा सा टेढ़ा काम है, तो इट्स मच बेटर कि आप ये वाला फ्लो यूज करो, ठीक है। सो ये एक इंटरेस्टिंग टेक्निक थी, कभी कभी मैंने भी यूज किया और मुझे फायदा दिखा है। आई होप आपको भी कभी हेल्प करे, ठीक है। सो अब जो लास्ट चीज बचती है इस वीडियो में वो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हाउ कैन वी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द पैरामीटर वैल्यूज फॉर एनी इंप्यूटेशन टेक्निक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज यहाँ पे कुछ खास है नहीं, यहाँ पे वॉट यू डू इज यू यूज अ टेक्निक कॉल्ड ग्रिड सर्च CV। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो फिर आपको ये बहुत ईजी लगेगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, मेरे चैनल पे इसके ऊपर एक वीडियो है। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका साइकिट लर्न सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करता है और बेस्ट रिजल्ट्स आपको निकाल के दे देता है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे समझाने का एज सच कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली कोड दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सारे इम्पोर्ट्स ले लिए हैं और मैं टाइटैनिक वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूंगा, और उसी प्रोसेस में हम पता करेंगे कि बेस्ट जो हमारा एक्यूरेसी आ रहा है वो कौन से इंप्यूटेशन टेक्निक से आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मर्स और पाइपलाइंस वगैरह यूज करेंगे, आई होप आपने वो वीडियोस देख रखे हैं। सो ये रहा मेरा डेटा, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपफ्रंट एक काम किया है कि ये चार कॉलम्स हटा दिए जो कि मुझे नहीं लगता ज्यादा फायदा करेंगे, आप चाहो तो रख सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, मैंने हटा दिया। अब मेरा डेटा ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ यू शुड नो कि जितना भी बचा हुआ डेटा है इस पे आपका मिसिंग वैल्यू एज के अंदर है और एम्बार्क्ड के अंदर है, बस इन दो जगहों पे आपकी मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने पहले एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट कर लिया, सर्वाइव्ड को छोड़ के बाकी सब कुछ इनपुट, सर्वाइव्ड आउटपुट, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार लिया, ये ना मेरा एक्स ट्रेन, यू कैन सी दीज आर द इनपुट कॉलम्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा प्री प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहा हूँ, मैं मेरे दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स जो हैं एज और फेयर, इन दोनों के ऊपर दो काम करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं इम्प्यूटेशन करूंगा, ऑल्दो फेयर में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, बट मैं एज के ऊपर इम्प्यूटेशन करूंगा और फिर इन दोनों के ऊपर स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई करूंगा, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करूंगा, और जो मेरे दोनों कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं सेक्स और एम्बार्क्ड, इन दोनों के ऊपर भी मैं दो चीजें करूंगा, पहले एम्बार्क्ड के ऊपर मैं इम्प्यूटेशन अप्लाई करूंगा और फिर इन दोनों के ऊपर वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करूंगा, ठीक है। और जब ये दोनों काम हो जाएगा उसके बाद मैं पूरे डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाऊंगा। सो बेसिकली फंडा ये है, मैं आपको एक पिक्चर पहले दिखा देता हूँ, मैं अपने सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर पहले सिंपल इंप्यूटर लगा रहा हूँ विद अ स्ट्रेटजी ऑफ मीडियम, और फिर मैं स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर स्ट्रेटजी सिंपल इंप्यूटर लगा रहा हूँ विद अ स्ट्रेटजी ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट और फिर वन हॉट एनकोडर लगा रहा हूँ, ठीक है। और जब ये दोनों तैयार हो जाएंगे तो मैं पूरे डेटा के ऊपर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहा हूँ, दिस इज माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हमने क्या किया, सबसे पहले मेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स को निकाल लिया और ये एक पाइपलाइन क्रिएट कर लिया, और इस पाइपलाइन का नाम है न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेप्स हैं इस पाइपलाइन में, फर्स्ट सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर, फर्स्ट जिन भी दोनों कॉलम्स में से किसी भी कॉलम में अगर मिसिंग वैल्यू है तो उसको इम्प्यूट कर लो यूजिंग मीडियन टेक्निक और फिर स्केल कर दो, ठीक है। और कैटेगोरिकल में ये जो दो कॉलम्स हैं इनके ऊपर भी दो स्टेप का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट सिंपल इंप्यूटर, अगर दोनों में से किसी भी कॉलम में मिसिंग वैल्यू है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दो और फिर वन हॉट एनकोडर लगा दो, ठीक है। सो ये मैंने अप्लाई कर दिया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ जिसमें मैं इन दोनों ट्रांसफॉर्मर्स को चला दूंगा, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर्स न्यूमेरिकल कॉलम्स के ऊपर और सारे कैटेगोरिकल ट्रांसफॉर्मर्स कैटेगोरिकल फीचर्स के ऊपर, like this. और लास्ट में आई एम क्रिएटिंग वन मोर पाइपलाइन जहां पे स्टेप वन होगा ये कॉलम ट्रांसफॉर्मर और स्टेप टू होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और ये कोड मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है सो दैट आप ये पिक्चर देख पाओ, इसका और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये है मेन स्टेप जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप ग्रिड सर्च सीवी अप्लाई कर रहे हो। अब ग्रिड सर्च सीवी में आप अपना पूरा का पूरा पाइपलाइन भेजते हो और एक पैरामीटर ग्रिड भेजते हो, और इस पैरामीटर ग्रिड में यू कैन सी कि नम न्यूमेरिकल इंप्यूटर स्ट्रैटेजी जो मेरे है, मतलब ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो है इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मीन एंड मीडियन
और कैटेगोरिकल वाले के लिए मोस्ट फ्रीक्वेंट और कॉन्स्टेंट, और ये पैरामीटर्स डिसाइडेड है फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सी वैल्यू बोलते हैं इसको, वो जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और अब मैंने बस ग्रिट्सर सीवी डिफाइन कर दिया, और अब अगले स्टेप में मैंने बस अपना एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन देके फिट कर दिया। ये थोड़ा टाइम लेता है, और ये करने के बाद आप बेस्ट पैरामीटर्स को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। सो मैंने एक बार चला दिया, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज हो क्या रहा है कि आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो इट टेक सम टाइम। और ये रहा हमारा रिजल्ट, बोला जा रहा है कि सी का वैल्यू शुड बी 1, कैटेगोरिकल में मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज करो और न्यूमेरिकल में मीन यूज करो, ठीक है। अब ये डेटा सेट इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन दिखाई दे, तो ये रहा रिजल्ट बाय द वे, मतलब सारे कॉम्बिनेशंस का, ये कॉम्बिनेशन रखने पे एक्यूरेसी स्कोर इतना आ रहा था, ये कॉम्बिनेशन रखने पे इतना आ रहा था, तो यू कैन सी कि शुरू में काफी देर तक सेम एक्यूरेसी आ रहा है, लास्ट में कहीं पर जा करके इस जगह से 100 वाले सी में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे टाइटैनिक वाले में आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा है, बट अगर आप कोई और बड़ा डेटा सेट यूज करो या फिर टाइटैनिक वाले में थोड़े डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस करो, जैसे कॉन्स्टेंट के लिए आप फिल वैल्यू यूज करो, यहाँ पे स्ट्रैटेजी हमने मोस्ट फ्रीक्वेंट रखा है, अगर आप कॉन्स्टेंट रख के फिल वैल्यू के अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो तो मे बी यू कैन गेट डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। बट या ये जो कोड है इसको आपको अपने पास रखना है एज अ रेफरेंस मटीरियल, कि फ्यूचर में कभी आपको इम्प्यूटेशन के पैरामीटर्स डिसाइड करने हैं कोड रन करके, तो आप ये कोड यूज कर सकते हो। ये कोड मैंने एक्चुअली scikit-learn की वेबसाइट से ही उठाया और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैनिपुलेशन किया है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड कोड है, ये scikit-learn खुद रिकमेंड करता है कि आप ये कोड यूज किया करो, ठीक है। तो विद दैट या दिस इज द वीडियो, काफी कुछ हमने डिस्कस किया, मेरे को लगता है अराउंड 35-40 मिनट्स हो गए होंगे ये वीडियो में, तो इट्स ओके। द गुड पार्ट इज कि हमने बहुत ग्राउंड कवर किया, काफी कुछ बचा हुआ था हमने आज कवर कर लिया, अब बस दो चीजें बची हुई हैं, वन इज KNN इम्प्यूटर एंड सेकंड इज आइटरेटिव इम्प्यूटर, ये दोनों चीजें हम लोग अगले दो वीडियोस में कवर कर लेंगे, एंड विद दैट हमारा मिसिंग डेटा इम्प्यूटेशन वाला पूरा जो टॉपिक है वो हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।